बॉलीवुड स्टार्स बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं, शानदार बंगलो, अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस और लग्जरी कार्स। आज बीएमडब्ल्यू से मर्सिडीज, फरारी से लैम्बोर्गिनी, ऑडी से रेंज रोवर और बेंटले से रोल्स रॉयस तक तकरीबन सभी बेशकीमती कारें इन सेलिब्रिटीज के पास है। जी हाँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इनके पास सस्ती या सेकेंड हैंड कारें हुआ करती थी, खासकर इनके द्वारा ली गई पहली कार। तो आइए आज जानते हैं आखिर बॉलीवुड स्टार्स की पहली कार कौन सी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन की। बिग्बी अमिताभ बच्चन के पास भले ही आज दुनिया की सबसे महंगी कारें हो, लेकिन उनकी पहली कार फिएट थी, जिसे उन्होंने एक्टिंग से मिले पैसों से सबसे पहले खरीदा था। ये सेकेंड हैंड फिएट कार अमिताभ ने मुंबई से नहीं कोलकाता से खरीदी थी। जी हाँ, क्योंकि कोलकाता में वो मुंबई से सस्ती कारें मिल रही थी। वही बात करें खिलाड़ी अक्षय कुमार की, तो आज अक्षय कुमार भले ही कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हो, लेकिन उनकी पहली गाड़ी फिएट ही थी। इस कार से अक्षय कुमार ने कई सालों तक अपना काम चलाया, यानी कि इसे यूज किया और आज भी इसे संभाल कर रखा है। अब अक्षय ने फिएट खरीदी थी तो सबसे पहले अपनी इस गाड़ी से शिरडी गए थे। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान के पास बीएमडब्ल्यू X6, लैंड रोवर, रेंज रोवर, इवोक, ऑडी R8 लगभग सी सभी महंगी कारें हैं, लेकिन उनकी पहली गाड़ी थी एक सेकेंड हैंड हेराल्ड। ये कार ऋषि कपूर की 1985 में आई फिल्म जमान में इस्तेमाल की गई थी, जिसकी कहानी सलमान खान ने लिखी थी। फिल्म पूरी होने के बाद ये गाड़ी सलमान खान को दे दी गई। तो अब अगर बात करें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार दीपिका की, तो दीपिका के पास आज भले ही कई लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी पहली कार थी ऑडी Q7। दीपिका सालों तक रोज ऑडी Q7 का इस्तेमाल करती थी। वहीं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख के कार कलेक्शन में आज बीएमडब्ल्यू से लेकर ऑडी जैसी महंगी ब्रांड्स की कारें शामिल है। वो एकमात्र ऐसे सेलेब हैं जिनके पास बुगाटी वेरॉन गाड़ी है, लेकिन शाहरुख की पहली गाड़ी थी ओमनी, जो उन्हें उनकी मां ने गिफ्ट की थी। वहीं काजोल ने सबसे पहली कार ली थी, वो भी मारुति सुजुकी 1000। काजोल ने अपनी गाड़ी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी डाली थी और उसे अपना पहला प्यार बताया था। वहीं अब अगर बात करें इस कड़ी में कटरीना कैफ की, तो कटरीना ने सबसे पहले ऑडी Q7 खरीदी थी और सालों तक इस्तेमाल भी की थी। आज कैटरीना के पास भी कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें लैंड रोवर, रेंज रोवर, बॉग LWB और मर्सिडीज ML 350 शामिल है, लेकिन कैटरीना को आज भी अपनी पहली कार से बेहद प्यार है, और हो भी क्यों ना। तो आइए अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। तो आलिया ने सबसे पहले 2015 में ग्रे रंग की ऑडी A6 खरीदी थी और ये न्यूज उन्होंने खुद फैंस के साथ शेयर की थी। ये बात और है कि आज आलिया के पास BMW 7 सीरीज, ऑडी Q7 और लैंड रोवर, रेंज रोवर, वॉक जैसी महंगी कारें हैं। वहीं सारा अली खान की बात करें तो सारा ने सबसे पहले जो कार ली थी वो थी होंडा CR-V। इसका इस्तेमाल वो रोज करती थी। अब उन्होंने जीप कंपास ली है और इन दिनों उसी का इस्तेमाल कर रही है। अब इसी कड़ी में सबसे आखिरी नंबर पर आती है कंगना रनौत, जिनको पंगा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। कंगना रनौत की पहली गाड़ी थी BMW 7 सीरीज सेडान, जिसे कंगना ने लंबे समय तक इस्तेमाल किया। आज कंगना के पास कई महंगी गाड़ियां हैं और वो काफी लग्जूरियस लाइफ जीती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी इन स्टार्स की पहली कार्स की इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। EN360 की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।